हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू फार्मा ट्यूटर टुडे वीर डिस्कस अबाउट बाबी च्यू सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बाबीच्यू रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में हम कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं सो वॉट आर बाबीचूरेट्स बाबीचुरेट्सिव एंड हिप्नोटिक्स क्लास के एजेंट्स हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस करते हैं इनका मेन रोल इंसोमिया सीजर्स और हेड एक जैसी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में होता है अगर हम बाबीचूरेट्स uh, की बात करें तो डे आर डिफरेंट बाबीचूरेट्स जो कि मार्केट में डिफरेंट ब्रांड नेम से अवेलेबल हैं जैसे कि अमोबाबिटल अमोबाबिटल मार्केट में अमाइटल नाम से अवेलेबल है सीकोबाबिटल इज़ अवेलेबल बाय द नेम ऑफ सेकोनल ब्यूटा बाबिटल इज़ अवेलेबल विद ब्रांड नेम ऑफ ब्यूटी सॉल पेंटो बाबिटल का ब्रांड नेम है नेम ब्यूटल जबकि बेलेडोना एंड फिनो बाबिटल आर अवेलेबल विद द ब्रांड नेम ऑफ डो नैटल स्ट्रक्चर ऑफ बाबीचूरेट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन में ये बेसिक कोर स्ट्रक्चर है बाबीचूरेट्स का जिसे पर हाइड्रोपिरीमिडीन रिंग कहेंगे इसमें दो नाइट्रोजन आइटम्स और चार कार्बन आइटम्स हैं और यहाँ पर सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स कार्बन एटम्स पे ऑक्सो ग्रुप्स का सब्सिट्यूशन है अगर इस स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके की साइड चें्स का एडिशन हो सब्सिट्यूशन हो रिंग में तो इसकी वजह से बाबीचुरेट्स के जो ड्रग हैं उनकी पोटेंसी में अल्टरेशन हो सकती है चेंजेस आ सकते हैं मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाबीचुरेट्स। बाबीचुरेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका बेसिक स्केलेटन क्या है पेरेमिडीन हेट्रोसाइक्लिक स्केलेटन और नेचर वाइज ये ओडरलेस पाउडर होता है जो कि वाटर में सॉल्यूबल होता है ईजिली इसका पेरेंट कंपाउंड बाबिचुरिक एसिड है आ, लेकिन बाबिचुरिक एसिड में यही प्रॉब्लम है कि ये फार्माकोलॉजिकली एक्टिव नहीं है जब बाबीचुरिक एसिड बाबीचूरेट्स में कन्वर्ट होता है तब ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है क्लासिफिकेशन ऑफ बाबीचूरेट्स बाबीचूरेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन चार क्लास में डिवाइड किया गया है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग शॉर्ट एक्टिंग इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बाबिचूरेट्स इनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितनी होगी थर्टी मिनट्स इसमें दो ड्रग्स आएँगे मीथोहेक्सीटल सोडियम एंड थायोपेंटल सोडियम शॉर्ट एक्टिंग बाबिचुरीट्स इन ड्रग्स की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगी टू आवर्स और इस कैटेगरी में दो ड्रग्स आएंगे हेक्सोबाबिटॉन एंड पेंटोबाबिटोन इंटरमीडिएट एक्टिंग बाबिचुरीट्स इनकी ड्यूरेशन ऑफ़ एक्शन होगी थ्री टू फाइव आवर्स और इस कैटेगरी में दो ड्रग्स आएंगे अमो बाबिटॉन एंड ब्यूटा बाबिटॉन लॉन्ग एक्टिंग बाबिचूरेट्स इनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगी अप टू सिक्स आवर्स एंड इस कैटेगरी में दो ड्रग्स आएंगे फीनो बाबिटॉन इसको फीनो बाबिटल के नाम से भी जानते हैं और मीफो बाबिटॉन नाव यू कैन सी इन दिस फिगर गाबा रिसेप्टर गाबा रिसेप्टर में आप देख सकते हैं गाबा साइड दी हुई है और क्लोराइड आयन चैनल का गेट uh, दिया, दिया हुआ है क्लोराइड पोर दिया हुआ है एंड देर आर फाइव सब यूनिट्स टू अल्फ़ा टू बीटा एंड वन गावा सब यूनिट नेक्स्ट फिगर इज द टॉप व्यू ऑफ दिस रिसेप्टर अब इस फिगर uh, को आप टॉप व्यू से देख पा रहे हैं तो दो अल्फा दो बीटा और एक गामा आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे गाबा साइट्स प्रेजेंट है बेंजोडाइजिपिन साइट प्रेजेंट है एंड क्लोराइडाइंस का पोल प्रेजेंट है तो हमारा जो बाबी चुरेट है वो इस गाबा साइट पे अपना एक्शन शो करता है सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे शो कर रहे हैं बाबी चुरेट्स बाबी चुरेट्स गाबा से अटैच होकर गाबा रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दे रहे हैं जिसकी वजह से क्लोराइड चैनल्स की ओपनिंग हो रही है एंड इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ दिस गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल इनकी वजह से सेल्स में हाइपर पोलराइजेशन कॉज होगा जिसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाएगा सी एन एस डिप्रेशन कॉज होगा बाबीचूरेट्स ऑल्सो ब्लॉक्स ए एम पी ए रिसेप्टिच इज़ अ सब टाइप ऑफ ग्लूटामेट रिसेप्टर बाबीचूरेट्स की जब हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है तो ये कैल्शियम डिपेंडेंट जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं उनका रिलीज भी इनिबिट कर देते हैं जिसकी वजह से ये टॉक्सिसिटी शो करते हैं बॉडी में साइड इफेक्ट्स की बात करें तो बाबी जो के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं कॉमन साइड इफेक्ट्स में ये ड्राउजीनेस जैसी प्रॉब्लम कॉज करते हैं हेडेक कॉज करेंगे बीपी लो हो जाएगा नोजिया कॉज करेंगे सिडेशन एंड स्किन रैशेस दीज आर वेरी कॉमन साइड इफेक्ट्स सीरियस साइड इफेक्ट्स की बात करें तो अब नॉर्मली स्लो ब्रीथिंग कॉज करेंगे पेशेंट कोमा में जा सकता है कन्फ्यूजन फेंटिंग हैलोसिनेशन जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं पेशेंट को इट कैन ऑल्सो कॉज टेम्प्रेरी ब्रीथिंग सेसेशन अगर रेयर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो सीवियर केसेस में ये अग्रैनुलोसाइटोसिस एरिथ्रोडर्मा लीवर इंजरी जैसे मेन साइड इफेक्ट्स कॉज कर सकता है इट कैन आल्सो कॉज मेगालोब्लास्टिक ब्लास्टिक एंड मेजर साइड इफेक्ट है इसका स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम बाबीचूरेट्स के यूज़ की बात करें तो ये इंसोमिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है इंसोमिया के केस में ये लेटेंसी को डिक्रीज़ कर देते हैं यानी कि स्लीपलेटेंसी एक टाइम पीरियड है किसी भी पर्सन को फुल वेकफुलनेस से स्लीप मोड में जाने में जितना टाइम लगता है उसे स्लीप लेटेंसी कहते हैं और ये बाबीचुरेट इस पीरियड को डिक्रीज कर देता है इट आल्सो डिक्रीज रैपिड आई मूवमेंट विच हेल्प्स इन ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमनिया न्यू नेटल जॉन्डिस में भी बाबीचुरेट्स का यूज़ है ये बिले रुबिन का मेटाबॉलिक रिएक्शन इंक्रीज कर देते हैं इट ऑल्सो हैज़ अ रोल इन एंटी कन्वर्सेंट दे आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स दो भाभी चोर आर यूजफुल बट स्टिल वाई दे आर नॉट रिकमेंडेड इट इज़ बिकॉज भाभी चिड्रेड्स कॉजेज सी एन एस डिप्रेशन इनके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी देखे गए हैं दे ऑल्सो डेवलप टॉलरेंस इन पेशेंट्स बाविचू रेट्स की वजह से पेशेंट्स में फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस भी देखी गई है मेजर प्रॉब्लम की बात करें तो इट कॉज़ एक्यूट इंटरमिटेंट पॉरफाइरिया। इस केस में ये क्या करते हैं ये पेशेंट की बॉडी में ए एल नाम के एंज़ाइम को इंड्यूस कराते हैं जिसकी वजह से पार्फाइरिन का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है दस इट कॉजेज पार्फाइरिया सो so, बाबीचुरेट्स में बस इतना ही नाउ इट्स टाइम फॉर एम सी क्यूज ऑन बाबीचुरट्स सो आर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कैटेगरी ऑफ बाबीचूरेट्स कैन टेक अप टू एन आर फॉर द इफेक्ट्स टू शो बट दोज इफेक्ट्स कैन लास्ट अप टू ट्वेल्व आवर्स योर ऑप्शन आर अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग शॉर्ट एक्टिंग इंटरमीडिएट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग एंड सुपर लॉन्ग एक्टिंग इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाबीचूरेट्स वर्क्स बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ दिस न्यूरो ट्रांसमीटर इन द ब्रेन Options are SSRI, MAO inhibitors, GABA and tyrosine. Last question. Barbiturates work by depressing what system of the body? Options are integumentary system, digestive system, central nervous system or lymphatic system. सो फ्रेंड्स यू हैव टू गिव देंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम फार्मा ट्यूटर